बोलो पुत्र, कैसे लगे ये वस्त्र? हम नीलमणि से ही पूछ लेते। बताओ लल्ला, तुम्हें कौन से वस्त्र अच्छे लग रहे हैं? बताओ। हाँ, बस एक बार संकेत दे दे लल्ला। देखो, लगता तो है इसने स्वयं ही अपना वस्त्र चुन लियो है। जे वाला दिखाइए। कौन सा? जे वाला? हाँ, जे वाला। अब उठाया है आपने सही वस्त्र। क्या केशव भैया, तब से जे सिली हुई पोशाक रखो है आपने, और हमें तब से आप पूरा वस्त्र दिखा रहे थे। अर्थात हमारा पुत्र हमारे पास ना होकर भी हमारे साथ ही है। सही कहा स्वामी, हमारे पुत्र को मेरे बनाए गए वस्त्र पसंद आए। हाथी घोड़ा पाल के जय नंद गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। रंगोली रंग सज रहे न्यारे, इत्र महक रहे मौसी। बहुत अच्छा किया आप आ गए, सच्ची। ये तो वही पुण्य आत्मा है पुण्य मौसी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिज्जी के लल्ला होगो, तब लगो कि ब्याह के इतने बरसों के बाद ऐसा होना असंभव है, किंतु आज देखो। हाँ पुण्य मौसी, आपकी कही बात सच निकली। ये देखो मेरा लल्ला। आंखें अब बूढ़ी हो गई है यशोदा, दुख तो इस बात का है कि जी भर के तेरे लल्ला को देख ना पा रही है। जानत है गांव में सभी क्या कहते हैं? यशोदा का लल्ला बहुत प्यारा है। हाँ वो तो मैं हूँ, किंतु तुम कैसी हो पूर्णा? किसी ने कुछ कहा क्या? ना ना, अवश्य ही मुझे भ्रम हुआ है। चौंक क्यों गई?
हमारा नाता तो जन जन का है पूर्णा। लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही हो है? मुझसे बात कर रही है? अरे क्या कर रही हो, सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। ध्यान से देखो पूर्णा, पहचानो मुझे। दादी माँ देखो, ये सब देवता है ना? सारे देवता पधारे हैं। सारे तेरी षष्ठी पूजा के लिए आए हैं। इसका अर्थ है कि तू सच्ची में पूर्णा, मेरे रहस्य को गोपनीय रखना है तुम्हें। ये सच्ची में, ये सच्ची में क्या मौसी? हाँ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? कोई चिंता की बात तो ना है ना? उतना दसों दिशाओं में जिसके नाम का डंका बजता है, वो महान मथुराधिपति आज मेरे साधारण से आवास पर अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण है वो कार्य जो तुम्हें मेरे लिए करना है। चिंता किस बात की, जब स्वयं नारायण ही? नहीं पूर्णा, मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। क्या हुआ मौसी, कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? और जे सभी देवी देवता पधारे हैं, जे सबका क्या मतलब? हाँ तुम्हें मेरी भक्ति की सौगंध है पूर्णा, मैया यशोदा के लिए मुझे बस नंदलाला ही रहने दो। चुप क्यों हो गई मौसी, बताओ ना, अवश्य ही कोई विशेष बात है जो आप बता ना रही? हाँ बताओ मौसी, क्या हुआ? ना कुछ विशेष नहीं है सुधा, क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि इसके देह में दिव्य तेज है, ये मुझसे कुछ कहना चाहते है। आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा, न जाने क्या देखती है क्या समझती है। धन्यवाद पूर्णा। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है मौसी। अवश्य ही तेरे लल्ला पर भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा है, तभी तो शायद मुझे लगा कि सारे देवता यही कहीं आसपास है। मैं प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और ब्रह्म क्या है। आप पुण्य आत्मा है मासी, आपकी जो गूढ़ बातें
मेरे पल्ले तो ना पड़ती, पर इतना जानता हूं कि श्री नारायण की हम पर कृपा का साक्षात स्वरूप है जिलल्ला। किंतु अब मैं सब समझ गई हूँ, इस बालक के रूप में स्वयं नारायण ने अवतार लिया है। तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं महाराज। आप चाहते हैं मैं आपके जीवन पर छाए इस ग्रहण को राहु बनके निगल जाऊं? हाँ, किंतु वो विष्णु शिशु के रूप में कहीं छुपा हुआ है, इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब का वध करना होगा। ये सब मैं आपके लिए क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। जितने अधिक शिशुओं को तुम ढूंढ पाओगी उतने अधिक शिशुओं को मार पाओगी। आहा, तो यहाँ है आप। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए शनिदेव? आइए ना शनिदेव। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। भीतर जाकर जब तक प्रभु श्री नारायण को जी भरकर देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। किंतु यदि मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी वक्र दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। यशोदा, मैं भी निकलती। अच्छा जी। लल्ला, लल्ला। अच्छा घर ना जानो है, घर ना जानो है। तुम सबके कारण मेरे और मेरे लल्ला को तनिक भी समय ना मिलता है साथ में। अतिथि भी चले गए, अब तो जाओ सब। जिंजी देखो हंस रहा है। आजा, गोदी में आएगा। अरे मुझे देखा है मुझे। तुम सबके कान में बात ना जा रही मेरी? हाँ, अब इसे खिलाते रहोगे तो मेरे लल्ला का पेट दुखने लगेगो। बस करो सब, चलो। ऐसी मधुर किलकारियां भरेंगे तो मैं स्वयं को कैसे रोक पाऊंगा प्रभु। परेशान कर दो है ना लल्ला, बहुत थक गए ना। हाँ, अब कोई परेशान ना करेगो, सब गए, अब तू भी सो जा। जैसे रोनी जी जी सुलाती है ना तेरे बड़े भैया को, वैसे ही सुलाऊंगी तुझे। ये हुई ना बात। मैया, बहुत आनंद आ रहा है, पर मैं आंखें बंद करूं भी तो कैसे? शनिदेव कितने व्याकुल है मेरे दर्शन के लिए। देख रहा है।
ओ महाराज, आप कौन और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपका लल्ला। अच्छा, लल्ला को देखने आए हो? अरे तो इतनी देर क्यों कर दी? जब सब आए थे तब क्यों ना आया? आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है? कहां से हो आप? और सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, सच्ची सच्ची बोलो। मैं शनि, शनि देव। अच्छा, शनि देव। मैं चंडी माता। मैं आप एक तो चोरी चोरी झरोखे से झांक रहे थे, ऊपर से स्वयं को शनि देव बता रहे हो, हैं? क्या समझते हो? महाराज, यदि आप सच्ची में शनि देव हैं, फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्शन बिल्कुल ना करवाऊंगी। किंतु क्यों मैया? भूल गया, आपकी ही दृष्टि के कारण मैया पार्वती के लल्ला का शीश कट गया था। फिर हमारे डमरूधारी भोले भंडारी ने हाथी का शीश लगा के उनके प्राण बचाओ, और अच्छे भले हमारे गणेश जी गजानन बन गए। वो भगवान है, उनके लिए ये सब करना संभव था, किंतु मैं तो साधारण मैया हूं महाराज। यदि आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपके वक्र दृष्टि लग गए तो ना ना, आप ही बताओ ऐसे कैसे देखने दूं आपको अपने लल्ला को, है शनि देव? अब आप क्षमा करो मुझे। मैं अपनी दृष्टि, केवल 6 दिन का है मेरा लल्ला, और जिस दिन प्रतिदिन के उत्सव से बहुत थक गए है, उसे सोने दो महाराज। लो कर लो बात, मैं तो जाग रहा हूँ मैया, मिलने दो ना शनि देव को, मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का। जय राम जी की। ऐसे ढोंगियों से जितना बच के रहे लल्ला उतना ही अच्छा। हाँ, वैसे तो जे सच्ची के भी शनिदेव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला। अरे स्वांग झूठा हो सकता है, किंतु शनिदेव की वक्र दृष्टि तो सच्ची होती है ना? हाँ हाँ, नहीं तो। ये क्या किया मैया, कितना दुख हुआ होगा शनिदेव को। न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनि देव, आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। ठंडे झोंके से नींद ना आ रही लल्ला को? हाँ, मैं अभी सारे झरोके बंद कर देती हूँ, ठीक है? फिर मैया तुझे लोरी गा के सुलाएगी, तो बहुत अच्छे से सोएगा मेरा लल्ला। अभी आई मैया। हाँ, बिना मिले ही जा रहे हैं शनि देव। अवश्य ही ये मेरा भ्रम होगा। लो कर लो बात, दर्शन देने मैं स्वयं आया हूँ, तो आप मेरी पुकार अनसुनी करके जा रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूं मैं,
सामने कोकिला है, लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा। ऐसा इसलिए शनि देव, क्योंकि ये कोकिला माध्यम है, मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला। प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गया, संपूर्ण जगत आपके दर्शन लेने आया, किंतु आप मुझे दर्शन देने चले आए। प्रभु आपने सच्चे हृदय से स्मरण किया था, फिर कैसे ना आता मैं। जब भक्त ईश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है। मेरी तपस्या का फल इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान को पवित्र कर दिया है शनि देव। आज से जो भी मुझे हृदय में धारण कर यहाँ आएगा, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो फिर प्रभु, मेरा एक अंश यहाँ सदैव निवास करेगा, इसीलिए आज से ये स्थान कोकिलावन के रूप में जाना जाएगा। और मेरी वक्र दृष्टि से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहाँ पर आकर आपकी भक्ति करेगा, वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे, ये विष्णु ही है। लो भाई, मेरा लल्ला तो सज धज के आ गो है। अब तुम सब बताओ, इसका पालना सजो की ना? बिल्कुल तैयार है यशोदा जी, देखो लल्ला के उपयोग के लिए कितना व्याकुल है। चल लल्ला, आराम से सज। अरे शीघ्र चलो, पालना उत्सव आरंभ ना हो जाए, नहीं तो नीलमणि को झुलाने का अवसर ना मिलेगा। तो उसका पालना उत्सव है आज। अब देख चलिए विष्णु, तेरी मैया के साथ कैसा छल करती हूँ मैं। चलो चलो, मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु मैं तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगी। कहो भाभी, कैसा लगो पालना? लल्ला का है पालना, जे ही बताएगो। कैसा लगो? लो जीजी, लल्ला ने तो हाँ कर दे। तो पाला उस सब आराम करें। रुको,
पहले मुझे देख तो लेने दो, पालना ठीक तो है ना? है तो सुंदर, किंतु सुरक्षित भी तो होना चाहिए। जे जे फूल जे आज के ही है ना, कीट पतंगे तो ना लगी इनमें? ना भाभी, आज सवेरे ही मैंने और जानकी ने स्वयं तोड़े हैं, फिर उन्हें धोया तब जाके सजाया है इसे। और जे मोर पंख, इनकी नुकीली सिरे भीतर की ओर तो ना है? मेरे लल्ला को चुप गई तो बाहर की ओर ही है जीजी, मैंने स्वयं लगाए हैं। और जी गद्दा और उनके बस्त्र सब कोमल है ना? हाँ जी, आपके सारे निर्देशों का ध्यान रखो है हमने। अच्छा, और जे पालना जे सुरक्षित तो है ना, भार उठा लेगो ना मेरे लल्लो को? जे क्या कर रही हो सब? अरे मैं मैया हूँ, सदैव सावधान रहना चाहिए। हाँ नहीं तो हृदय प्रसन्न हो गया भैया ये सब जानकर, बहुत प्रसन्नता हुई। भैया रोहिणी दीदी कैसी है, उनका पुत्र स्वस्थ तो है ना? हाँ भाई नंद, रोहिणी कैसी है? सब कुशल मंगल है, मेरी भाभी और भतीजा दोनों आपको बहुत स्मरण करते, आपकी प्रतीक्षा कर रहे। नंद भाई, मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा अपनी भाभी से, उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया। वो समझते हैं, आपकी परिस्थिति का आभास है उन्हें। नो, मैं तो भूल ही गई, भाभी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे। बिटिया कहाँ है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? आकाशवाणी में मेरे आठवें पुत्र का उल्लेख था, पर उसने मेरी गोद से मेरी पुत्री को छीन लिया और तो फिर नारायण के अवतार वो कहां गए? वो नारायण की लीला वही जाने, किंतु अब तक अवतार की मृत्यु ना कर पाने के कारण कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने पूतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है, जिनका जन्म पिछले दस दिनों में हुआ। भाई नंद, इसलिए आप सावधान रहिए, यदि उसे पता चला कि आपको पुत्र हुआ है, वो भी सात दिन पहले तो अनर्थ हो जाएगा। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस सात दिन का हो गया महाराज, हमारा लल्ला। राम राम प्रणाम 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 राम जी। काका, इस छोटे मार्ग से चलिए। किंतु महाराज, ये मार्ग तो पथरीला है,
मैं पहचान ना पाई। आप? वसुदेव जी ने भेजा है मुझे आपकी नीलमणि को दूध पिलाने के लिए। किंतु मेरे लल्ला को आपका दूध कैसे? राजा वसुदेव पे आपको भरोसा नहीं है? ना, ये बात ना है, किंतु यादवपुर के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कल ही तो सूचना मिली थी कि वसुदेव भैया और राजकुमारी देवकी को कारागार से मुक्त कर दो है कंस ने, और आज ये उपहार लेकर मिलने भी गए थे। संभव है वसुदेव भैया ने इसीलिए भेजो इन्हें। काका शीघ्र चलो। क्या हुआ, अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाएंगी मुझे? उसके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना आपके मन में भी तो होगी। है क्यों ना, अवश्य है। आई आई। अब आ ही गई हो तो मेरे पालना उत्सव में तुम्हारा स्वागत है पूतना। पर मुझे झूला नहीं आना, मारने की मंशा से आओगी तो स्वयं मृत्यु के झूले में झूल जाओगी। काका, हम रुक क्यों गए? गोकुल अभी दूर है। नंद भैया, पहिए का किला निकल गया है, कसना पड़ेगो। यशोदा,
अधम नराधम निशाचरी अभिमानी हो गई थी प्रभु। विष्णु अवतार की हत्या का प्रयत्न किया मैंने। कैसे सोच लिया एक निर्दोष अबोध शिशु को विष पिला दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सब जो भी करते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही करते हैं। तुम भी इसका अपवाद नहीं हो पूतना। आज तुमने जो किया उसका संबंध तुम्हारे पिछले जन्म से था, जब संसार तुम्हें रत्नमाला के नाम से जानता था। मैं रत्नमाला? हाँ, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। बलि दैत्यों के राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली, और मेरे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से वो अमर हुए और पृथ्वी और स्वर्ग के सम्राट बन बैठे। यज्ञ पूर्ण होने के बाद वो सभी याचकों को उपहार देने लगे। तब मैंने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया, वामन अवतार। रत्नमाला के रूप में जैसे ही तुमने मुझे देखा, उस बालक जैसे अवतार के रूप से तुम भावुक हो गए। तुम्हारा हृदय ममता से भर उठा। अब एक ही अभिलाषा है मेरी, तुम्हें पुत्र रूप में पाना, गोद में खिलाना, अपना दूध पिलाना। तब मैंने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु प्रभु, यदि वरदान था तो मैंने आपको दूध के स्थान पर विष पिलाने का दुष्कर्म क्यों किया? क्रोध के कारण, जो मैंने उस समय तुम्हारे पिता दैत्यराज महाबली के साथ किया था, उसी के कारण तुम क्रोधित हुई थी। उपहार में 3 पग स्थान मांग लिया था मैंने उनसे। किंतु इतने से उपहार से मुझे इतना क्रोध क्यों आया प्रभु? जब राजा बलि ने मेरे वामन अवतार की इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया, तो मैंने विशाल त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया। प्रथम पग में मैंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में नाप लिया विशाल स्वर्ग, किंतु फिर राजा बलि के पास उपहार में देने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। पर महाबलि भी अपने वचन के पक्के थे। तीसरे पग को रखने के लिए उन्होंने मुझे अपना शीश अर्पित कर दिया। मेरे बार से महाबली पाताल लोक जाने पर विवश हो गए। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार के कारण ही तुम्हें क्रोध आया था। दूध पिलाने की कामना थी, पर अब विषपान कराना चाहती हूं तुम्हें। विषपान! तुम्हारी वो मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। मन ही मन ऐसा वरदान दिया था मैंने तुम्हें, और आज तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं रत्नमाला। भले ही तुम्हारी नियत में विष था, पर तुमने मेरी भूख मिटाने का उपक्रम किया, मुझे अपने बक्ष से लगाया। यही कारण है कि तुम मेरे लिए मेरी मां के समान पूजनीय हो गई हो, और इसीलिए अब से तुम सभी बंधनों से मुक्त हो।
मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ, तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। ओम श्री हरि। एक शंका और है प्रभु, मेरे हाथों इतने सारे निर्दोष शिशुओं की हत्या क्यों हुई? जिन शिशुओं के प्राण तुमने लिए उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में उन्हें अल्पायु ही होना था, यही विधि का विधान था रत्नमाला। प्रभु रक्षा करो प्रभु। वो देखो, ठीक हो? पूतना, लल्ला को कोई ढूंढो, कोई लल्ला को लेके आओ, यशोदा, लल्ला को ढूंढो, ढूंढो लल्ला को, लल्ला को, लल्ला, यशोदा। नीलमणि घबराने मत हमारे, अरे सीढ़ी लाओ, चलो जल्दी।
मुझे क्या होना है मैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नीलमणि, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। अब तो मत रो मैया, आ गया हूँ ना आपके पास, अपनी मैया की गोद में। मैं तुझे दियो वचन पूरा ना कर पाई लल्ला, मैं तेरी सुरक्षा ना कर पाई। प्रभावती, गोमूत्र और गोबर ले आओ, शुद्धि पूजा शुरू करनी है। लाओ यशोदा। क्यों चाहिए मेरा लल्ला? सत्य बताना, कौन हो तुम और ये सब कौन है? यशोदा, मैं रोहिणी जिज्जी, और ये सब गोपियां तुम्हारी सखियां। कैसे भरोसा करूं मैं कि आप रोहिणी जिज्जी हो और ये सब मेरी सखियां ही हैं? कैसे भरोसा करूं कि आप जो दिख रही हो सत्य में वो ही हो, कोई और ना हो? मेरे घर जो आई थी साक्षात देवी का रूप थी, किंतु वो चुड़ैल निकली, राक्षसी। बस अब मुझे किसी पर भरोसा ना करना है। की बहुत बहुत कृपा, हमारे लल्ला को कुछ ना हुआ। यशोदा, नारायण की कृपा से कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे लल्ला को, समझने का प्रयास करो। वही तो कर रही हूँ जीजी, समझने का प्रयास। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी कि एक अनजान पे भरोसा कर लो मैंने। एक माँ होके भी मैं सत्य ना देख पाई, किंतु आप, तुम सब स्वयं को सखियां बताती हो ना मेरी, तुम सब ने भी ना देखी, एक बार भी मुझे सचेत ना किया उस राक्षसी के बारे में। यदि कुछ हो जाता मेरे लल्ला को तो कहाँ जाती, क्या करती, किसको दोष देती? तुमने सत्य कहा यशोदा, ये हम सब का दोष है, हम सब से त्रुटि हुई और हमारे नीलमणि के प्राण संकट में पड़ गए। किसी को दोष देने का कोई लाभ ना है, हमें अपनी त्रुटियों से सीखना होगा। एक भूल हम पहले ही कर चुके, शुद्धि ना करके दूसरी भूल ना करेंगे यशोदा। हाँ यशोदा, उस राक्षसी ने हमारे नीलमणि को विष पिलाने का प्रयास किया था, नारायण की कृपा से अब हमारा लल्ला ठीक है, किंतु उसके स्वास्थ्य के लिए शुद्धि पूजा करनी ही होगी। घबराओ मत मैया, अब सुरक्षित हूँ मैं। आते दो। हाँ।
बड़ी हंसी आ रही है तुझे, क्यों रे? इतनी प्रसन्नता का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा, बता लल्ला, बता, अपनी मैया को ना बताएगा? ये क्या कर रहे हो चंद्र? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने आपके ध्यान में बाधा डाल दी। श्री विष्णु अवतार के बाल स्वरूप की किलकारियां सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं बार बार झुककर उनकी एक झलक पाने की चेष्टा कर रहा था। क्या इतनी अद्भुत है उनकी मुस्कुराहट? उनकी मुस्कुराहट तो चंद्रदेव की आभा से भी अधिक है। और रूप तो ऐसा प्रभु कि उन्हें कितना भी देखें ना आंखें थकेंगी और ना ही मन। मुझे उनसे मिलना ही होगा, उनकी मधुर मुस्कुराहट का आनंद लेना होगा मुझे। चाहे जो हो जाए, वो फटते ही जाऊंगा उनसे मिलने। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस जोगी की झोली पुकार रही है मैया, इसे भर दो। आप तो स्वयं ही इतने समृद्ध लग रहे हो बाबा, मैं आपकी झोली कौन से वस्तु से भरूं? हर्ष से, उल्लास से, प्रसन्नता से, प्रमोद से। कुछ देर के लिए अपने लल्ला को मेरी गोदी में खेलने दो मैया। मैं भी आपकी गोद में आने के लिए आतुर हूँ सखा। कृपा करो मैया, अब इस जोगी से और प्रतीक्षा मत करो। ना, जे तो मैं ना कर सकती। पर क्यों मैया, मैं बहुत दूर से मिलने आया हूँ आपके लल्ला से। देखो बाबा, जो दे रही हूँ उसे आप स्वीकार करो। मेरा लल्ला अभी बहुत नन्हा है, आपकी जब भेषभूषा से भयभीत हो जाएगा। पर मैया, मैं तो आपके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूँ। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने, राक्षसी निकली वो, और जब आप अनोखी भेषभूषा में आए हो, राम जाने आप कौन हो। आप सच्ची में बहुत भोले हो भोले शंकर, मैया को मनाना भी नहीं आता आपको। बस एक बार मैया। बाबा मैंने कही ना, ना का अर्थ ना। बस मैया, बहुत हुई आपकी हट, अब आप इस जोगी की हट देखोगी। अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आपके लल्ला को जी भर कर निहार नहीं लेता। मत जाओ। मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा मैया। हाँ बाबा बैठ जाओ, जितना समय मन करे उतने समय तक बैठो आप, किंतु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे। मैया, आप मुझे पहचानती नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक समाधि में बैठ सकता हूँ। जब आपका लल्ला बड़ा हो जाएगा, उस पर आपका कोई अंकुश नहीं रहेगा, तब मिल लूंगा उससे, पर बिना मिले लौटूंगा नहीं। सखा, इतना आसान नहीं है मेरी मैया से जीत पाना। आप 10,000 वर्षों तक बैठ सकते हो, तो मैं भी 20,000 वर्षों तक जे द्वार बंद रख सकती हूँ। पीछे का द्वार खोल दूंगी, मेरा लल्ला खेलने जाएगो आ जाएगो, किंतु आपसे ना मिलने दूंगी। आप होंगे बड़ी हटी, किंतु मैं भी मैया हूँ। एक मैया के हट को पहचानते तो जे ऐसी चुनौती ना देते आप।
लो कर लो बात, अब क्या करोगे भोलेनाथ? मुझे भय है कि मैया आपके दर्शन करवाने की दया मुझ पर नहीं करेंगी। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, मनाइए अपनी मैया को। हाँ? क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ यशोदा, ये लल्ला क्यों रो रहा है? देखो ना जी, जो चुप ही ना हो रहा है। यशोदा गोकुल का राजकुमार है, जे गोकुल के होने वाले राजा से मिलने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं भला? बाबा आइए। भेंट की मंगल बेला आई, द्वार के पीछे यशोदा माई। धन्य भाग रूप अलौकिक इतना प्रभु का, सबका ही मन मोह ले। भजन हरि के बोले, दर्शन करने आए भोले। जोगी वाले पहन के चोले, दर्शन करने आए भोले। नीलमणि को गोद में भर के भाव अनंत जो उड़े मन में, नैनों से अश्रु बनके छलके। सृष्टि ने भी इंद्रधनुष के सतरंगी रंग घोले, मुख से भजन हरि के बोले, दर्शन करने आए भोले। जोगी वाले पहन के चोले, दर्शन करने आए भोले। इतने लंबे समय से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु, सदैव से आपका अनुसरण किया है मैंने। सत्य तो यह है कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं प्रभु, और मैं हूं अपने भक्तों का दास। समस्त संसार के लिए ईश्वर हूं मैं, पर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बाध्य हूं सखा। जिस प्रकार आप देवों के देव हैं, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों का भक्त हूं।
तभी तो विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है और शिव ही विष्णु और शिव ही विष्णु है। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णु शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवः। बाबा आप जैसे टकटकी लगाकर देख रहे हो मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाएगी। जिसकी दृष्टि उतारने वाली ऐसी मैया हो उसे किसी की दृष्टि कैसे लग सकती है भला। ए, ए। लीजिए संभालिए अपने लल्ला को। क्षमा करना बाबा आपको बहुत कष्टी हो। क्षमा का कोई कारण नहीं है, आप तो बस मैया होने का धर्म निभा रही थी। नीलमणि धन्य किसे आप जैसी मैया मिले। सत्य वचन सखा सत्य वचन। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे छोटे से मित्र को माँ की वो ममता मिली है जिसके लिए सदैव से तरसता था। सखा क्या कर रहे हो, भेद खोलने के पीछे क्यों पड़े हो आप? जैसे एक मां तड़पती है अपने पुत्र के स्नेह के लिए, वैसे ही एक पुत्र भी तरसता है अपनी मां की ममता के लिए। फिर चाहे वो कोई साधारण बालक हो या स्वयं नारायण का अवतार। बाबा आप कितनी अच्छी बात कह रहे हो, हृदय प्रसन्न होगा। आपके लिए कछु लाऊं? बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। बस आपके शुभ हाथों से बने माखन की मटकी दे दीजिए मैया, मेरा सारा संसार उसी में समा जाएगा। अवश्य अभी लाई लो जी। अभी जी लीजिए बाबा। आप सब प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, आपके घर पर धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य और वैभव ऐसे बरसे जैसे सावन के मेघ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि वो गोकुल में ही है तो लगता है जो कार्य पूतना नहीं कर पाई वो कार्य पूरा करने के लिए स्वामी ने किसी योद्धा को खोज लिया है। भीतर आओ। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र है जो कठिन से कठिन पहेली को भी अद्भुत सूक्ष्मता से अध्ययन करके सुलझा दे। इनकी बुद्धि की विशेषता समस्त जगत में उनका नाम और उनकी पहचान बन गई है। वो है ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर। सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर। घर अंततः पहुंच ही गए। अरे मूर्खो मार क्यों रोक रहे हो, हट जाओ वरना भस्म कर दूंगा तुम्हें। तनिक ठहरिए महाराज, बिना पूछे मुंह उठा अंदर चले आ रहे हैं। हमें रोक रहे हो? अरे जानते भी हो कौन है हम? ना नहीं जानते। और जानने की आवश्यकता भी क्या है, हैं? और जान भी लें तब भी हम आपको भीतर ना जाने देंगे। बुक्का है ना, आदेश नहीं है। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है, जय मार्ग से आप वापस लौट जाओ। पीछे चले जाए? नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। इसे खोलो खोलो इसे, हैं? तुम जानते भी हो किसका अपमान कर रहे हो? मूर्खो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। श्रीधर महाराज है हम। कौन महाराज, कहां महाराज, चलो भागो उधर। अच्छा कौन महाराज, कहाँ के महाराज? अब तो तुम्हारी रानी यशोदा बताएंगी कि हम जो हैं परम पूज्य पुजारी, जिनके जिनके जिनकी आराधना उनके पिता श्री भारूगिरी, उनकी माता जी पद्मावती जी करती हैं। उन श्रीधर महाराज का घोर अपमान किया है तुम दोनों ने, घोर अपमान। यशोदा तुम जानती हो ना? ना किंतु लगतो है जे मेरे माँ बाबा को जानते हैं, मेरे मायके की ओर से आए हैं जे श्रीधर महाराज। अरे मेरी भोली मैया, ढोंगी महाराज है ये, असुर है। जो भी हो जाओ चलो। अरे किंतु, अरे बोलने दो इन्हें। बेटी यशोदा हम श्रीधर महाराज आपके माता पिता के करीबी परिचित हैं। हम तो तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आए थे। और हाँ ये अखंड पूजा का प्रसाद भी देना था, कई पखवाड़ों से मैं ये पूजा कर रहा था तुम्हारे पुत्र के स्वस्थ जन्म के लिए। ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। नहीं यही प्रसाद दे दिया तो ये यहीं से भेज देगा मुझे। बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, इससे पूर्व की खेल बिगड़ जाए, शीघ्र ही कोई उपाय निकालो। अरे आप काहे कष्ट कर रहे हैं श्रीमान, हम आते आप। महाराज ठीक तो है? आपको ज्यादा अधिक हमें धक्का किसने दिया? धक्का? अरे हमने कछु नहीं करो। आपको ज्यादा अधिक चोट तो ना लगी? भैया आप इन्हें भीतर ले चलो। सुधा मर गए। जो आज्ञा तुम गोकुलवासियों को भी ना देती वो इन्हें दे रही हो? ये बात तो है, ऐसे कैसे आने दो उन्हें। मर गया। इन्हें चोट लगी है, सहायता तो करनी चाहिए। भीतर आने दो ना। सुधा कल वो जोगी बाबा को तो भीतर आने दिया था ना, अब ये भोले भाले बूढ़े बाबा मेरे मायके की ओर से आए हैं तो बड़ी समस्या हो रही है आपको। कोई बात नहीं बिटिया, समस्या है तो फिर कभी आ जाएगा। रुक जाओ बाबा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो जाता है कहीं ना जा रहे हो आप।
भीतर आ जाइए। जाओ वैद्य जी को लेके आओ, उन्हें कहो शीघ्रता करें। जाओ जाओ जाओ, आओ बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे बिटिया, सदा सुखी रहो। अरे ये तो जगा हुआ है, और इसमें ये आभा कैसी है? ये चंद्रमा का प्रभाव है क्या? किंतु चंद्रमा के प्रकाश से केवल बालक ही क्यों चमकेगा? इसके भीतर सच में प्रकाश फूट रहा है या मेरा भ्रम है? ये अभी पता चल जाएगा ढोंगी महाराज, क्या सत्य है और क्या भ्रम। कौन है? कौन है यहाँ? मूषक महाराज, आओ दर्शन कर लो मेरे। बस देखते ही मत रहो, असली मूषक को ढूंढने में मैया की सहायता करो। ये है चोर। ए, यहाँ कहाँ आ रहा है? अगर मेरे लल्ला को सताओ ना तो इतना कूटूंगी कि फिर कभी ना दिखेगा। जो झूठ बोले वो डंडा खाए। समझ आया महाराज? लल्ला, यहाँ आधी रात में तेरी मैया मूसक भगा रही है और तू यहाँ आनंद से खिलखिला रहा है। हाय राम, हाय राम। लल्ला तू जाग रहा है, कहीं वो मूसक तेरे पालना में तो ना घुसो है? हाँ मैया, वो तो मेरे पालने को छू भी नहीं पाया। यशोदा क्या हो गया? मूसक है जी। मूसक कहाँ? जी इसके भीतर। यहाँ तो ना है, लगता है चले गए। देखो लल्ला, इतने डंडे मारो है तेरी मैया ने उस मूसक को कि कभी तेरे निकट भी ना फटकेगो। हाँ लल्ला, तो चिंता मत ही कर, तो चैन से सो जा, सो जा। चिंता तो अब वो करेगा मैया। ये क्या हो रहा है सूक्ष्म बुद्धि, जब से यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ अमंगल ही हो रहा है। तेरी दिव्यता मेरी बुद्धि के पंजे में फंसकर ऐसे फड़फड़ाएगी जैसे। फड़फड़ाना बाद में, पहले मेरी रक्षक से तो बच के दिखाओ बुद्धिराज। रुक जा दुष्ट।
इतनी शीघ्र भेद खुल गया क्या मेरा? लगता है आज बेलन से पिटाई होगी। इतनी सी इच्छा? ठीक है, पूरी कर दूंगा। आपके लिए ना है जे, तो मधुमक्खी के लिए। कब से घूम रहे हो? जाने कहां से आ गए? आप ही बताओ, ऐसे कैसे घूमने दूं? मेरे लल्ला को डंक मार दे तो। हाँ लल्ला, क्या सोचो उस मधुमक्खी ने? मेरे लल्ला के आसपास घूमेगी और मैया देखती रहेगी। हाँ नहीं तो। झूठ बोला तो मधुमक्खी से भी बुरी दशा हो जाएगी ढोंगी महाराज। बाबा वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे लल्ला के पास? वो हम है बेटी। अरे हाँ, आप भोजन खाने आए होंगे। आज तनिक विलंब होगा बाबा। वो जानकी ना आई जे, सब गोपियाँ जमुना जी के तट पर जा रही हैं। हाँ, जमघट करेंगी सब, बेरिया तोड़ के खाएंगी इसीलिए। फिर तो बेटी यशोदा तुम्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हो। सही कहा ढोंगी महाराज, अब मुझे ही कोई लीला रचनी पड़ेगी। नीलमणि, नीलमणि, ओ नीलमणि। तुम सब तो घाट पर जाने वाली थी, गई ना? लल्ला को देखे बिना कैसे चले जाते? और आप भी तो आ रही है हमारे साथ। लल्ला कौन आया है? हाँ तू बुला रहा था ना, इसलिए हम सब के सब चले आए तुझसे मिलने। मैं कहीं ना जा रही। जा कैसे नहीं रही आप? आप भी चलेगी हमारे साथ जैसे पहले चलती थी। अरे पूछना रही हूँ यशोदा जी, बता रही हूँ। अरे हम भी तो यही कह रहे थे, मतलब जाना चाहिए तुम्हें। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं नीलमणि को छोड़ के कहीं ना जा सकती। बेटी यशोदा, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुमने मेरी सेवा ऐसी की है जैसे मेरी अपनी बेटी करती है, तो मुझे भी सेवा का अवसर दो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे उपकार का बोझ लेकर चला जाऊं यहाँ से, और जब मेरा अंत समय आए तो तुम्हारा ऋण चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं। मानो तो भला न मानो तो भला, किंतु सत्य यही है तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। माँ की ऊर्जा से ही संतान अपनी शक्ति प्राप्त करती है, इसीलिए तुम्हें स्वस्थ और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। यदि तुम प्रसन्नचित्त रहोगी तभी तो तुम्हारी संतान भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकेगी। जाओ पुत्री। जाओ। सुन लिया यशोदा जी, अब नीलमणि के लिए आपको चलना ही होगा। हाँ। जे है इसका ध्यान रखने के लिए। अरे किंतु बाबा को भोजन भी तो परोसना है। हम स्वयं परोस लेंगे। तुम जाओ बिटिया। हाँ हाँ, चलिए यशोदा जी। चलो चलिए यशोदा जी, चलिए। कुछ पल के लिए तो मेरी चिंता छोड़ो मैया, और जीवन का आनंद लो, तब तक मैं इनको संभालता हूँ। हाँ
नदी का स्नान, अमिया, संसार भूल के मौज में मगन हो जाना, ऐसा लगता है जैसे ये सब तो मैं भूल ही गई थी। आज कितने दिनों बाद वही आनंद फिर से अनुभव करूंगी मैं। क्या समाचार लाए हो? इस बार कंस ने गोकुल में किसी विकट को भेजा है, और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो हमसे पहले यहाँ आ चुका है। पीछे देखो पीछे। ये बेलन अपने आप हवा में कैसे उड़ गया? श्रीधर महाराज, लगाओ आम पे निशाना और दिखा दो कि नीलमणि की मैया हो। ये पत्थर चाहे भी ना तो अभी आपका निशाना चूक ना सके। हाँ जी जी, वरना लल्ला के कहेगा कि मैया ऐसे ही वापस आ गई, एक काम भी ना ले पाई। तो जे बात है तो दो फिर पत्थर, दिखाती हूँ मैं भी कि नीलमणि की मैया क्या कर सकती है। लल्ला के शत्रु का पीछा इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेगा। द्वार खोलिए। ताई जी, महाराज तनिक व्यस्त है अभी पिटने में। ये ध्वनियां कैसी हैं? श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज, द्वार खोलिए। तो रुको, आम तो खा लो। अरे तुम सब समझना नहीं, मुझे कछु ठीक ना लग रहा है। मेरी छठी इंद्री भी संकेत दे रही है, मैं घर जा रही हूँ अपने लल्ला जी। भाभी रुको, भाभी यशोदा, भाभी तो अब मैं आपको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दूंगा। अरे अरे, देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे? आंखें खोलने की चेष्टा तो करो। Oh,
मैं मूर्ख जब से यहां आया हूं आपके प्राण लेने का प्रयास कर रहा हूं, और आप मुझे ज्ञान के प्रकाश का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी लीला परंपार है प्रभु, आपकी लीला परंपार। अब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं श्रीधर। मेरी इच्छा है कि आप इस ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करें। स्वस्मय स्वल्पम समाजाय सर्वस्व, अर्थात अपने लिए केवल आवश्यकता के अनुसार, शेष सब समाज के लिए। तू ठीक तो है ना लल्ला? हाँ, आज तक अपने लल्ला को अपने से दूर ना करो मैंने। आज पहली बार आप पर विश्वास करके गोपियों के साथ गई थी। आदर से पूछ रही हूं महाराज, सत्य बताओ क्या कर रहे थे आप? आपने सुनी भैया यशोदा ने क्या कही कि वो आज पहली बार लल्ला को छोड़कर इस भवन से बाहर गई और जे है गए। यदि उसे पता चलेगा कि ये पाखंडी बाबा यहां क्यों आयो है और उसके लल्ला के प्राण संकट में हैं, तो फिर कभी वो इस भवन के बाहर पग न धरेगी। मैं समझता हूं नंद, पर इसने यदि स्वयं ही सब मान लियो तो? दोनों की चिंता उचित है। कितनी कठिनाई से मैया पूतना की घटना भूल पाई थी। इतना तो मैं समझ गई हूँ, जो आप दिखते हो वो आप हो ना। सत्य बताओ कौन हो आप और आपका उद्देश्य क्या था? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। चोरी करने आए थे यहां, नीलमणि की माला चुरा रहे थे। मैंने पकड़ लिया तो बहाना बनाने लगे। अवश्य ही और अधिक मूल्यवान वस्तुएं और आभूषणों को चुराने के लोभ में इन्होंने मुझे भीतर बंद कर दिया और बाहर पूरा भवन उथल पुथल कर दिया। ये सत्य कह रही है? सत्य है। रुक जाइए श्रीधर, मैया को मेरा सत्य मत बताइएगा। ये कैसी लीला है प्रभु, आपका आदेश है कि मैं सत्य नहीं बोल सकता। अरे आपका दिया सद्ज्ञान पाकर अब मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता। मौन धारण करना हो या स्वर उठाना हो, कार्य परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। वैसे आप यहाँ चुराने ही तो आए थे मेरे प्राण। मौन क्यों हो गए बताओ? ये सत्य है, आप चोरी करने आए थे। हमें पता है
किसने भेजा है तुम्हें? हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा नंदराज। आप यहां से जीवित इसलिए लौट कर जा पा रहे हैं क्योंकि मैं हिंसा का विरोधी हूं और मैं नहीं चाहता कि यशोदा को पता चले कि उसके लल्ला के प्राण बड़े संकट में। पर अब ध्यान रहे महाराज कि आप लल्ला के तो क्या गोकुल के भी निकट दिखाई दिए तो मैं वो कर बैठूंगा जो मैंने आज तक ना किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। यशोमती मैया को समझ आ गया है कि नंद उनसे कुछ छुपा रहे हैं। मैया इस बात से रूठ जाती है और नंद उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। तब नंदलाला ही कुछ ऐसा करते हैं कि सब ठीक हो जाता है। कम से कम मुझे बता तो देती ज्योतिषी से परामर्श ले रही हो। मैं ले चलता हूं तुम्हें। सुन रहे लल्ला, इस संसार में सारा अपराध स्त्री का ही होता है। बात अपराध की ना है यशोदा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर ये बात बताई होती जान तो... मुझ के ना बताई। तनिक आपको भी तो पता चले अपनों से कछु छुपाने पर कैसा लगता है। युद्ध तो घमासान होता जा रहा है। इसी कारण बस यदि मैंने कछु ना बताया तुमको तो क्या तुम उसका प्रतिशोध लोगी मुझसे? हे नारायण, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या इतनी कठोर हूं मैं? लल्ला के लिए एक छोटा सा निर्णय तो लियो मैंने। अपने लल्ला पर क्या इतना भी अधिकार ना है मेरा? अब क्या हर बात पर अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे? इससे पहले कि ये आंसुओं की वर्षा क्रोध की आंधी में बदल जाए मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे कहने का अर्थ यशोदा बात तो सुनो। सुनने को बचो क्या है अब? आप बस कृपा करके मुझे उन सभी बातों की सूची दे दो जिन जिन के लिए मुझे आपसे आज्ञा लेनी है। उठना बैठना खाना पीना सब आपसे पूछ कर ही करूंगी अब। अरे आप बोलो तो क्या हुआ? देखो आपने ने अपनी पहली करवट ले ली। कंस इस बार नंदलाला को मारने के लिए भेजता है कागासुर को। खोदा पहाड़ और निकला कौआ। कागासुर, क्या तुम में वो क्षमता वो योग्यता है जो मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक? लल्ला करवट लेके दिखाएगो ना सबको? देखो कैसे हंस रहे जी। अभी करवट लेगो। लल्ला शीघ्रता से करवट ले ले चल। सब ऐसे देख रही हैं जैसे नटनटी का खेल देखने आई हो। जानकी बैठ जा। इतनी भी क्या शीघ्रता है? भूख लगी है क्या? मैं कछु ले आती हूँ खाने को। हाँ किंतु कोई अपने स्थान से हिलेगा ना और दृष्टि तो बिल्कुल ना हिलनी चाहिए। समझ आई? लो मैं तो इनको सता रहा था उल्टा मैया पर ही आवभगत का दायित्व पड़ गया। इससे तो अच्छा है मैं करवट ले ही लूं। ले रही है। देखो तुम सबने
देखो। नहीं जी जी, हम सब फिर से चूक गए। कैसा कागा है रे तू? तेरे कारण मेरी सहेलियां नीलमणि का करवट ना देख पाई। अभी आना था तुझे? ये कैसी ध्वनि है? कौन है रसोई में? ये सब तूने करो है? ना ताई जी, ना। ना ताई जी? मैं सच्ची कह रहा हूँ, वो कौवा था, वो कौवा। चुप, मैं सब समझ रही हूँ, बहाने बना रहा है ना? ये क्या गति कर दी मेरे रसोई की? अवश्य ही कछु खाने के लिए ढूंढ रहा होगा, है ना? ना, ना ताई जी। चले आगे से ऐसा मती ना करियो, समझा? अब जा, लल्ला का ध्यान रखना। जी, मुंह पोछ, जा मुंह पोछ। जे आएंगे तो तुझे घर छोड़ाएंगे, जा। ये सब समेटना पड़ेगा। कुछ और गिराना शेष रह गया है तो जा, नहीं तो कौवा पुरुष, कौवा पुरुष जे आजकल के बालक। लगता है अपने पंजों की धार बढ़ानी पड़ेगी मुझे। कागासुर के बाद कंस अपने शत्रु को समाप्त करने का दायित्व तो सौंपता है उत्कच को, जो किसी भी वस्तु या जीव में समा सकता है, जिसे देखना असंभव है, पर उसे तनिक भी ज्ञात नहीं है कि उसका सामना किससे होने वाला है। अरे चिका करो है लल्ला, इससे खेलने में समय है तुझे अभी। पंडित जी, चलो गणना के अनुसार जन्म नक्षत्र के पूजा उत्सव के लिए कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, तो आवश्यक वस्तुओं की सूची बना देता हूँ। कल का मुहूर्त? नाना पंडित जी, कल तो बहुत शीघ्र हो जाएगा, उत्सव तो बड़ा होना चाहिए ना।
इतनी सारी तैयारी करनी है, कल तक तो ना हो पाएगी। आप तो ना दो चार दिन बाद का मुहूर्त निकालो ना। पंडित जी, यदि कल का मुहूर्त शुभ है तो हम ये पूजा कल ही करेंगे। हर कार्य को बड़ा करना आवश्यक थोड़ी ना, निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे। किंतु पंडित जी, आप सूची बना दीजिए, कल सारी तैयारी हो जाएगी। ऐसो तो पूजा के लिए रोली मोली तो है ना घर पे, आपको ही पता होगा। और धूप बत्ती वो तो होगी ना, आपको ही पता होगा। भोग के लिए प्रसाद वो तो बन जाएगा घर पे, आपको ही पता होगा। यशोदा क्या कर रही हो, सहायता ना करोगी? आपने ही तो कही थी पंडित जी को कल तक सारी तैयारी हो जाएगी, तो कर लो आप, मुझे क्यों बोल रहे हो? वैसे रूठी हुई भी बहुत अच्छी लग रही हो तुम। रूठी कहाँ हूँ, कल ही की व्यवस्था कर रही हूँ। कोई नई पोशाक दिखाई ना दे रही, कल क्या पहनाऊंगी इसे? पंडित जी थे सामने, इसीलिए तर्क वितर्क ना करो। मैंने सुनो जी, मैं कह देती हूँ, अपने लल्ला का जन्म नक्षत्र उत्सव बड़े धूमधाम से मनाऊंगी मैं। हाँ नहीं तो यशोदा, उत्सव से भी अधिक महत्वपूर्ण है पूजा। पूजा हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं ना, कुछ निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे बस। कैसे कैसे करेंगे आप? हम जे मोर मुकुट के अतिरिक्त कुछ भी नया ना है लल्ला के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, अपने हाथों से बनाया है मैंने। तो बस और क्या चाहिए। बाबा जी, क्या करो आपने, एक मोर पंख भी ना संभाला जा रहा है आपसे, आप लल्ला को क्या संभालोगे? एक मोर पंख के लिए इतना क्रोध? अब आप सब छोड़ो और जाओ, अभी नया मोर पंख लेके आओ मेरे लल्ला के लिए, और वो भी वो मोर पंख जो अभी अभी मोर ने गिराया हो। अब आप देख क्या रहे हो, जाओ ना अभी। हाँ अभी, टूटा हुआ मोर मुकुट थोड़े ना पहने को मेरा लल्ला अपने उत्सव पर। पहले पूजा की सामग्री का प्रबंध कर लूं, ये पूजा की सूची अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण, कहना क्या चाहते हो आप? मेरे नीलमणि के मुकुट का पंख महत्वपूर्ण ना है? यशोदा, इतने कम समय में बिल्कुल नए मोर पंख का प्रबंध मैं कहां से करूंगा? कहां से क्या, आप सीधे बन जाओ, वहां कोई ना कोई मोर नाच ही रहे होंगे, एक आधा नया मोर पंख अवश्य मिल जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो, कि मैं एक मोर पंख के लिए पूरा बन छान मारूं? और नहीं तो क्या, पुरानी रीत है जी, प्यासा ही कुएं के पास जातो है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। आप दोनों फिर से झगड़ा मत करने लगना, बाबा संभालो ना। अच्छा अच्छा, मैं चला जाऊं, पर पहले पूजा की तैयारी तो कर लूं। वो सब मैं ना जानती, मुझे कल उत्सव के पहले नया मोरपंख चाहिए, कल कोई एक नई वस्तु तो हो मेरे लल्ला के पास। ये समझ ना रही, नीलमणि की सुरक्षा के लिए उत्सव आवश्यक ना है, जन्म नक्षत्र की पूजा है, क्योंकि पूतना की घटना के बाद से हमारे लल्ला पर कंस की भी दृष्टि होगी। हे नारायण, रक्षा करियो। यशोमती मैया मोरपंख ना लाने के कारण नंद जी से फिर रूठ जाती है। क्या लल्ला के लिए नया मोरपंख और क्या? यशोदा समय ही ना मिलो, मैं भी ओढ़नी और चटाई निकालती हूँ।
आपको तो कितने सारे आवश्यक कार्य है ना, मैं ही चली जाती हूँ। तब नंदलाला को ही कुछ ऐसा करना पड़ता है कि सब फिर से ठीक हो जाए। और जो लड्डू चटाई ओढ़नी ये सब क्या है? तो आपको क्या लगता है मैं भूमि पे बैठूंगी वन में, या फिर जब तक मोर पंख ना मिलेगो भूखे रहूंगी? यशोदा, तुम नीलमणि को लेकर बन बन भटकोगी। अच्छा जी, तो बस नीलमणि की चिंता है आपको, मेरी ना है। इससे पहले कि फिर से झगड़ा आरंभ हो, मुझे ही कुछ करना होगा। दोनों की चिंता, इसीलिए तो जाने से रोक रहा हूँ। जाना तो पड़ेगा, चाहे मैं जाऊं या आप जाओ। मैंने कही ना, प्यासा ही चल के कुएं के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। कुआं चल के प्यासे के पास ना आता, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। तब तो ऐसा ही होगा मैया। अरे तो तुम ही बताओ, कैसे तुम्हें और लल्ला को मैं वन में अकेले जाने दूं? हाँ तो ठीक है, इतनी चिंता है तो चलो हमारे साथ। यशोदा मेरी बात तो। नीलमणि, अगले दिन पूजा आरंभ होती है और कुछ देर के लिए नंदलाला मैया की आंखों से ओझल हो जाते हैं। कब इसके तन से विदा ले लेंगे इसे पता ही नहीं चलेगा। ताईजी, यशोदा ताईजी। निद्रा देवी, समय हो गया है।
नंदलला, तुझे कुछ हुआ तो ना है ना? तुम ठीक तो है ना? मेरा नीलमणि, मेरा प्यारा बच्चा। भूला पंछी, ये सब क्या है? उज्जवल, ये किसने करो है? और देख कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? और किसने, महाबली नीलमणि ने बड़ी ताई जी। जी क्या बोल रहे हो? सच्ची सच्ची बता। नो, फिर फंस गया उज्जवल। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अचानक तीव्र वेग से वायु चली, फिर ऐसे लगो जैसे कोई भूकंप आ रहा है, और फिर जब मैंने देखा तो ये सकट अपने आप हिल रही थी, खड़खड़ 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 खड़खड़, और सकट का सामान भी हिल रहा था थरथर थरथर। ऐसा लगो जैसे सकट नीलमणि को कुचलने को। पर तभी जे जाग गए हो, इसने खींच कर अपने पांव का प्रहार करो और चीख गया सकट आकाश पे। और फिर धड़ाम, सब भूमि पे गिरकर चकनाचूर। मैं सच्ची कह रहा हूँ ताई जी, नीलमणि के पैर का स्पर्श होते ही वो सकट ऐसे वायु में उड़ी जैसे कोई फूल। अच्छा, और जो तेरे हाथ में ये माखन है, ये भी अपने आप उड़ के आ गया होगा ना? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। यशोमती मैया को अपने लल्ला की चिंता सताती है, और रोहिणी भी उनसे अपने पुत्र बलराम के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है। मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ यशोदा, इसी चिंता के कारण ही तो मैंने आज तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ जिज्जी, मैं समझती हूँ। मैंने तो नीलमणि के लिए इतने सारे संस्कार भी करो है, पूजा पाठ की है, किंतु आपने तो, मैंने तो आज तक अपने पुत्र का एक भी संस्कार नहीं किया है। आंसू पोंछ लीजिए बड़ी माँ, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उसे जन्म दिया, उसके बाद से आज तक ना उसे घर के बाहर लाई हूँ, ना कोई संस्कार किया है। मैं तो उसका नामकरण भी नहीं करवा पाई हूँ यशोदा। उसके जन्म के समय स्वामी ने यह संदेश भिजवाया था कि उस कंस को हमारे पुत्र के बारे में तनिक भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। तब से आज तक भय के छाव में जीती आई हूँ कि वो कंस कहीं हमारे पुत्र को भी ना मार दे, जैसे देवकी के सारे संतानों को मार दिया है। ये आशंका कभी सत्य नहीं होगी बड़ी माँ, मैं हूँ ना। माँ अपनी संतान के मन की बात बिना कहे ही समझ जाती है, आप भी समझ जाओ ना मैया। चिची, हमें रोना ना चाहिए, हमें देख के लल्ला भी रो रहा है। मैया, आपकी सहायता की आवश्यकता है मुझे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे लल्ला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है? दाऊ को हम सबसे दूर कब तक रखेंगे बड़ी माँ? ये सोच रहे होगो कि अब तक आपने इसके दाऊ को छुपा के क्यों रखो है,
मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैया। चिची, कितना मन करता होगा ना इसका अपने दाऊ से मिलने का, और आपके लल्ला का भी तो मन करता होगा ना कि अपने छोटे भाई को मिले। कितनी बातें करते हैं हम दोनों की इनके सामने। हाँ यशोदा, मैं भी अपने पुत्र को नीलमणि के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तो बस फिर हमें साथ साथ रखिए ना, मेरा आधा हिस्सा है वो, उनके बिना मैं अधूरा हूँ मैया। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जीजी, हमें इन दोनों को साथ ही रखना चाहिए। आप ही सोचो, यदि नीलमणि की रक्षा होगी तो आपका लल्ला भी तो सुरक्षित रहेगा। तुम सच कह रही हो यशोदा, हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए और साथ में ही रखना चाहिए सुरक्षित। तब तो शीघ्र ही पंडित जी को बुलाकर हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त? हाँ शुभ मुहूर्त, दोनों भाइयों के मिलन के साथ साथ उनका नामकरण संस्कार भी करवा देते। अब अपने दाऊ से मिलूंगा मैं।